विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करते हुए दिल्ली में पिछले महीने हम लोगों ने जनसंवाद यात्रा पूरे दिल्ली के अंदर किया था। उसके बाद इस महीने अलग अलग सेक्शन के साथ संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन पूरी चुनाव की तैयारियों को गति देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद के लिए कल से अपना अभियान शुरू कर रहे हैं। इसके लिए दो माध्यम हम लोगों ने बनाया है, एक अरविंद केजरीवाल कल से दिल्ली के 14 अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट संवाद करेंगे। सम्मेलन के बाद निरंतर कार्यकर्ताओं के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन अरविंद केजरीवाल का बना रहे, इसके लिए कल खुद मुख्यमंत्री जी एके ऐप कल लॉन्च करेंगे, जिस ऐप के माध्यम से भी दिल्ली के सभी वॉलंटियर्स के साथ और देश भर के वॉलंटियर्स के साथ वो डायरेक्ट कनेक्ट को बना करके रखेंगे। तो कल उस एके ऐप का भी लॉन्च दिन में किया जाएगा और शाम से कार्यकर्ता सम्मेलन का सिलसिला शुरू होगा। उसमें जो शेड्यूल है, पहले जो हमने जारी किया था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, जो आप लोगों से बात हुई थी, जो शेड्यूल है जिसके तहत दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल वॉलंटियर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये 14 जिला सम्मेलन होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें लगभग हर जिले में 1000 वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट करेंगे बूथ लेवल तक के। इसमें जो शेड्यूल चार्ट होगा उसमें 16 अक्टूबर को वेस्ट लोकसभा के दो डिस्ट्रिक्ट नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो जिला सम्मेलन है ये द्वारका विधानसभा में किया जाएगा। दूसरा जो सम्मेलन है शाम को उसके बाद सेकेंड, वो तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन है, ये जो आयोजन है वो जनकपुरी विधानसभा में होगा। तो 16 तारीख को दो जिला सम्मेलन है, नजफगढ़ डिस्ट्रिक्ट का द्वारका विधानसभा में और सेकेंड जो सम्मेलन है तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट का वो जनकपुरी विधानसभा में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी संबोधित करेंगे। दूसरा जो दिन है जब जिला सम्मेलन होगा, 17-18 का गैप है, 19 तारीख को सेकेंड डे जब जिला सम्मेलन होगा उसमें साउथ दिल्ली लोकसभा के दो डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिसमें मेहरौली डिस्ट्रिक्ट का जो जिला सम्मेलन है वो छतरपुर विधानसभा में आयोजित होगा। आपको बता दूं एक डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है, तो ये जो मेहरौली डिस्ट्रिक्ट की 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनका जो सम्मेलन होगा वो छतरपुर विधानसभा में होगा। संगम बिहार जो डिस्ट्रिक्ट है साउथ लोकसभा में, उसके जो जिला सम्मेलन है वो तुगलकाबाद विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद अगला जो जिला सम्मेलन की तारीख है 20 अक्टूबर को पहला जो जिला सम्मेलन है सहादरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लोकसभा का, सहादरा डिस्ट्रिक्ट का जो जिला सम्मेलन है वो कृष्णा नगर विधानसभा में आयोजित होगा। और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है पड़पड़गंज ईस्ट लोकसभा में, पड़पड़गंज डिस्ट्रिक्ट का जो जिला सम्मेलन है वो पड़पड़गंज में विधानसभा में होगा। 21 तारीख अगला जो जिला सम्मेलन की डेट है 21 अक्टूबर को पहला जो जिला सम्मेलन है नॉर्थ वेस्ट लोकसभा में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट का जो जिला सम्मेलन है वो जो किरारी विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है, एंड सेकेंड जो जिला सम्मेलन है बादली डिस्ट्रिक्ट का वो रोहिणी विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है। अगला जो सम्मेलन है 22 अक्टूबर को आदर्श नगर डिस्ट्रिक्ट में पहला सम्मेलन है जो वजीरपुर में आयोजित किया जा रहा है,
और दूसरा जो चांदनी चौक लोकसभा का सम्मेलन है वो सदर बाजार विधानसभा में आयोजित होगा। अगला जो सम्मेलन है 23 अक्टूबर को नई दिल्ली लोकसभा का जिला सम्मेलन होंगे, जिसमें करोल बाल डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन मोती नगर विधानसभा में और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का सम्मेलन मालवीय नगर विधानसभा में आयोजित हो रहा है। और लास्ट जो सम्मेलन है वो 24 अक्टूबर का है, 24 अक्टूबर को नॉर्थ ईस्ट लोकसभा का सम्मेलन होगा। नॉर्थ ईस्ट में करावल नगर डिस्ट्रिक्ट का पहला सम्मेलन है तिमारपुर विधानसभा में, और दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है बाबरपुर डिस्ट्रिक्ट, उसका जो सम्मेलन होगा वो बाबरपुर विधानसभा में होगा। ये अभी पूरे दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इलेक्शंस के लिए सभी विधान लोकसभा लेवल पे प्रभारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला अध्यक्ष को इंचार्ज बनाया है, हर विधानसभा के लिए हमने इलेक्शन के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर ली है। उसके साथ साथ हर विधानसभा के अंदर जितने पोलिंग स्टेशन हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे हमारा एक इलेक्शन इंचार्ज नियुक्त हो चुका है जो उस पूरे मतदान केंद्र के चुनाव की तैयारी को संभालेगा। और अब हर बूथ पर ये इलेक्शंस के लिए हम नियुक्ति कर रहे हैं, और जो ये नियुक्त लोग हैं बूथ लेवल तक के, ये सारे लोग इस जिला सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बूथ लेवल तक के इलेक्शंस के जो इंचार्ज हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो इस जिला सम्मेलन में हिस्सेदारी करेंगे, और इस जिला सम्मेलन के माध्यम से आगे विधानसभा चुनाव के लिए हम संगठन निर्माण का बड़ा टारगेट ले करके, और फिर ये सारे बूथ वॉलेंटियर्स नीचे ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे। जिला सम्मेलन के बाद जो हमारा सब टारगेट है सभी विधानसभाओं को, 1,40,000 विजय प्रमुख को हम नियुक्ति करेंगे। हर विधानसभा के जो बूथ वॉलेंटियर्स जो आ रहे हैं सम्मेलन में, उनको 10 विजय प्रमुख बनाने का टारगेट हर जिला सम्मेलन में ये दिया जाएगा। और इस जिला सम्मेलन के खत्म होने के बाद नवंबर का जो पूरा महीना होगा वो विजय प्रमुख की नियुक्ति का होगा। लोकसभा में कुछ नियुक्तियां हम लोगों ने की थी, उनमें से कुछ लोगों को रिवाइव करेंगे, और जो अभी वॉलेंटियर्स बन रहे हैं उनकी भर्ती करेंगे। तो 1,40,000 विजय प्रमुख बनाने का टारगेट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो ये कैंपेन है बूथ वॉलेंटियर्स के माध्यम से हम लोग नवंबर तक पूरा करेंगे। और डायरेक्ट इन सारे वॉलेंटियर्स के साथ 1,40,000 जो वॉलेंटियर्स बन रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनके साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्ट अरविंद केजरीवाल का बन सके, उसके लिए ये एके ऐप जो है वो कल पार्टी लॉन्च करने जा रही है। सीएम करेंगे तो सीएम पार्टी की तरफ से करेंगे। इसके अलावा ये जो महत्वपूर्ण जानकारी गोपाल जी ने दी, अरविंद जी के वॉलंटियर के साथ सीधे संवाद की, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विषय पर हमारे